दो दिन से कुछ नहीं खाया भैया, कोई काम भी नहीं दे रहा हमको, घर पे भी सब भूखे बैठे हैं, खाना खिला दो ना। ए, इधर आ। आप कुछ पैसे दे दीजिए, हम खुद ही खा लेंगे भैया जी। अबे साले, सारी जिंदगी भीख ही मांगेगा क्या तू? तू चाहता नहीं तेरी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा हो? बैठ इधर। धन्यवाद भैया जी। मिथिलेश ठाकुर ने हाईवे से पश्चिम की तरफ गाड़ी मोड़ ली है। हम हमारे लाखन ठाकुर के लिए लिट्टी बना रहे। वो हमारे पति, लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वो ना हमारे होने वाले। सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। अगर सच्चाई को बदलना है तो आ जाओ मैदान। ये पूनम का लिट्टी चोखा हमसे बेहतर कैसे बन रहा है? अगर ये लाखन ठाकुर ने खा लिया तो हम हार भी सकते हैं। अब इन्हीं के साथ रहना है तुम्हें, यही तुम्हें खाने को भी देंगे, काम भी देंगे, ठीक है? नहीं नहीं, हमको यहाँ नहीं रहना है। अरे सुनो, बात सुनो मां, इधर आ। देखो, तुम यहाँ किसी खास उद्देश्य के लिए लाए गए हो, खास बनने के लिए लाए गए हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनना हमको, हमें बस जाने दो, छोड़ो। देखने की समस्या है, जानती हो, बहुत ही गंभीर समस्या। का? अरे कलमुई पूनम, तू भी तो अच्छा खाना बना लेती है ना, तो तू खाना लाए हैं आपके लिए। रख दो, खा लेंगे। काम तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन उसके लिए अन्न को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। और लिट्टी चोखा ना ठंडा अच्छा भी नहीं लगता। खाना है, हाँ, मिर्चा है इसमें खाली, मुंह चल रहा है हमारा पूरा। मिर्ची? लेकिन मिर्ची, मिर्ची कैसे? कैसे वैसे नहीं, जो लपड़ मारा ना तुमको, उसका बदला ले रही हो ना तुम हमसे? लखन ठाकुर, हमने चखा था आपको खिलाने से पहले, तब तक बिल्कुल ठीक। चखा था तब तुम्हारे दिमाग की तरह तुम्हारा जबान भी जो है ना खराब हो गया है। हाँ बोलो बोलो, कि कोमल ने किया है।